अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो पंजाब के तमाम एम्प्लॉज़ के लिए इंतहाई अहम है कि हुकूमत पंजाब महकमा ख़जाना ने रिटायर होने वाले तमाम मुलाजमीन के लिए खुशखबरी सुनाई है और ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर रूल 6.1 के अंदर अमेंडमेंट की गई है, जिसके तहत अब हर रिटायर होने वाला सरकारी मुलाजिम एक साल तक एंटीसिपेटरी पेंशन वसूल कर सकेगा। इसका मकसद ये है कि अगर एक आदमी रिटायर होता है और उसके पेंशन के कागजात मुकम्मल नहीं हैं, तो बजाय इसके कि वो अपने पेंशन के कागजात मुकम्मल कराने के लिए दफातर के चक्कर खाता रहे और जो उसका सोर्स ऑफ इनकम है वो जहरी तौर पे बंद हो जाए, तो हकूमत ने इसको कंपनसेट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, जिसके तहत रिटायर होने के बाद अकाउंट ऑफिस उस आदमी की बेसिक पे का 65% उसकी महाना पेंशन बना देगा और महाना पेंशन वो आदमी वसूल करता रहेगा। एक साल तक ये जो पेंशन वसूल करेगा इसको एंटीसिपेटरी पेंशन का नाम दिया जाएगा। हाँ, इस दौरान अगर उसके पेंशन के कागज़ मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर अकाउंट ऑफिस उसकी पूरी पेंशन जारी कर देगा और साथ ग्रेजुटी, जिसका प्रॉपर वर्ड कमोटेशन है, उसकी भी अदायगी कर दी जाएगी। लेकिन अगर एक साल गुजरने के बावजूद भी सरकारी मुलाजिम अपने पेंशन के कागजात मुकम्मल नहीं करता तो तब एक साल के बाद उसकी एंटीसिपेटरी पेंशन बंद कर दी जाएगी और उसे कहा जाएगा कि जब तक आप के कागज़ मुकम्मल नहीं होते, पेंशन पेपर्स मुकम्मल नहीं होते, तब तक मज़ीद पेंशन आपको नहीं दी जा सकती। तो इसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पेंशन सेंक्शनिंग अथॉरिटी, यानी जो वो अथॉरिटी जिसे हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी का वर्ड भी वही होता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी या पेंशन सेंक्शनिंग अथॉरिटी, ये तीन अथॉरिटीज़ एक ही ऑफिसर के हवाले से इस्तेमाल होते हैं जिसने पेंशन के पेपर्स पे साइन करने होते हैं और उसी अफसर ने ही बेसिकली अपॉइंट किया होता है। तो जो पेंशन सेंक्शनिंग अथॉरिटी है उसको पाबंद किया है कि किसी भी सरकारी मुलाजिम के पेंशन पेपर 6 मंथ के अंदर मुकम्मल कराए जाएं। तो 6 मंथ के अंदर पेंशन के पेपर्स मुकम्मल कराना ये पेंशन सेंक्शनिंग अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी करार दी गई है। तो इस नोटिफिकेशन के बाद तमाम सरकारी मुलाजमीन के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी है कि अब उनको रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन की वसूली के लिए मज़ीद इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि फौरी तौर पे उनको एंटीसिपेटरी पेंशन मिलती रहेगी। हाँ, इस दौरान वो अपने पेंशन के पेपर्स भी मुकम्मल करा लेंगे। तो आज की वीडियो हम देखने का बहुत शुक्रिया। अभी तक जिन लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ उन तक पहुँचती रहें। थैंक्स।